अप टू डेट। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अप टू डेट के आज के एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक शख्सियत से जो साइकिल से पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुका है। जी हाँ, दुनिया के 52 देशों को ये शख्स साइकिल पर घूम चुका है। हालांकि कोविड के अंदर उनका ये अपना वर्ल्ड टूर रोकना पड़ा था और ये दोबारा से शुरू करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में ये शख्स चंडीगढ़ से लेह लद्दाख और लेह लद्दाख से वापस चंडीगढ़ होते हुए आज उन्होंने अपनी यात्रा का अंत, साइकिल यात्रा का अंत यहाँ पर इंडिया गेट पे किया है। चलिए मिलवाते हैं इस शख्स से, राज मंडल इनका नाम है ये। राज जी, बहुत लंबी जर्नी रही जी, किस किस तरह की परेशानियाँ, किस किस तरह की मुश्किलें और क्या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो मतलब कुछ शब्दों में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। परेशानियाँ कुछ नहीं थी, दुनिया बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत प्यारे हैं, 1% आरामखोर किसी भी कोने में आपको कहीं भी मिल सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया बहुत मस्त थी, बहुत मज़ा आया। और 4 साल हो गए हैं, 5वीं साल स्टार्ट हो गई है, तो आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहा तो ये दोनों यूँ ही चलती रहेगी। राज जी, साइकिल से एक गली के अंदर दूसरी गली से जाना, एक सड़क पार करना, वो भी बहुत बड़ा खतरा रहता है शहरों में भी और गाँव में भी, लेकिन साइकिल के ऊपर लेह लद्दाख जैसी जगह पर जाना, तो ये आइडिया कहाँ से आया, खतरे भरा आइडिया कहाँ से आया? नहीं, कोई खतरा नहीं है सर, वो तो मन का बहम है कि कोई खतरा है। बहुत आज से कुछ सालों पहले तक साइकिल पे ही तो लोग चलते थे, ये तो हमने आज की भागदौड़ में अपने आप को इतना वो बिजी कर लिया है कि हम साइकिल को भूल गए हैं। तो आपके टाइम में, आपसे थोड़ा सा पीछे की बात करूंगा, तो दहेज में लोग साइकिल मांगते थे, ठीक है। तो अब ज़माना बदला है, तो आप उसके हिसाब से भाग रहे हो, पर इस लॉकडाउन ने आपको सिखा दिया होगा शायद, मतलब आपको क्या, पूरे आपके दर्शकों को भी सिखा दिया। मैं आज देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ कि इंडिया गेट पे जिस हिसाब से लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, कितनी भीड़ देख रहा हूँ, तो 80% जो लोग हैं वो साइकिल पे हैं, तो ये कोई ख़तरा नहीं है। आप चैलेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेंगे, लोग तो माउंट एवरेस्ट पर भी जाते हैं, एवरेस्ट बेस कैंप तक भी अपनी साइकिल ले कर निकल जाते हैं, तो लद्दाख तो हमारा अपना देश है, तो यहाँ पे तो मुझे कोई ख़तरा महसूस हुआ ही नहीं। जी, वर्ल्ड टूर आपने साइकिल पे करने का जो प्रोग्राम बनाया था, उसको बीच में रोककर आपको रोकना पड़ा कोविड के कारण। जी जी, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली क्या हुआ, मैं नीदरलैंड में था जब मैं लॉकडाउन में फंस गया था, तो वहाँ से फिर मुझे वापस आना पड़ा था। जो वंदे भारत के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था, तो लेके आए थे, तो अभी जो ही मैं मतलब ये इंटरनेशनल फ्लाइट खुल जाएंगी, मैं वापस अपने रूट पे आ जाऊँगा सर। जी जी बिल्कुल, अभी तक मेरी 52 कंट्रीज़ हो गई हैं, तो आगे की जर्नी मैं आगे कंटिन्यू कर दूँगा सर। राज जी, लेह लद्दाख का कोई खूबसूरत वाक्या इस जर्नी का, जो यादगार वाक्या हो कोई, वो बताएंगे? जी जी बिल्कुल, लेह लद्दाख इस बार थोड़ा सा अलग रहा। एक तो शायद मैं पहला ही ट्रैवलर हूँ जिसने इस बार लेह लद्दाख किया, बट सिर्फ और सिर्फ ये लेह लद्दाख एक ट्रिप नहीं थी मेरे लिए, एक टूर नहीं था, ये राइड फॉर प्राइड के नाम से ये जर्नी थी जो कि इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड थी। और एक मेरे मन में 2016 में जब मैंने ये यात्रा शुरू की, तो एक टीस थी कि उस टाइम एक कांड हो गया था ये जो आपका पठानकोट वाला, तो उस वजह से मैं जा नहीं पाया था और वापस आ गया था, तो इंडियन आर्मी ने मुझे वापस भेज दिया था। और वही इंडियन आर्मी ने इस बार मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इस बार रास्ते में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, अकेला ही था, क्योंकि अदरवाइज़ तो कैंपिंग होती हैं और होती हैं, तो काफ़ी लोग होते हैं, इस बार मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा था। तो जैसे एक बार मैं कारगिल द्रास में, कारगिल वार मेमोरियल के बाहर मैंने को कैंपिंग करनी पड़ी, तो आर्मी मुझे अंदर आके खाना दे के गए हैं, सुबह ब्रेकफास्ट दे के गए हैं, तो आई सैल्यूट इंडियन आर्मी जिन्होंने मुझे इतना हेल्प किया इस जर्नी के दौरान। राज जी, एक और सवाल, जैसे कि कई लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि हम दिल्ली से चंडीगढ़ भी जाते हैं तो अपनी सारी व्यवस्थाएँ देखते हैं, खाने पीने की, रहने की, और अगर आप लद्दाख जैसी जगह भी जाने का प्लान करते हैं तो हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग्स, तरीके से ये व्यवस्थित होगी? जी जी, मैं आपको बता दूं कि लद्दाख तो मेरे लिए छोटी चीज़ होगी, क्योंकि ऑलरेडी 52 कंट्रीज़ में मैं मैनेज कर चुका हूं, तो अपने देश में तो मैनेज करने में मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई। बाकी मेरे पास कुकिंग स्टफ़ होता है, मेरे साइकिल पे 50 किलो से ज़्यादा सामान होता है, जिसमें मेरा -30 से लेके +50 तक मैं कहीं भी सर्वाइव कर सकता हूँ इस धरती पर। तो और खाने का मेरे पास एक हफ्ते का जुगाड़ होता है, तो इज़ी फॉर मी। तो यहाँ पर हमें एक बात का और जिक्र करना चाहेंगे, राज मंडल जी लॉयंस क्लब इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, और इसी बीच में दिल्ली से हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आर के शाह जी हैं। शाह जी, आपकी संस्था का एक सदस्य इतना बड़ा काम करके आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो डे वन से मेरे को इस पे गर्व है, और जिस दिन मैं आपको बात बताना चाहूँगा सन 2016 की, जब इसका मेरे को फ़ोन आया कि शाह साहब मैं वर्ल्ड टूर पर जाना चाहता हूँ, मैंने कहा जाओ बहुत अच्छी बात है,
और फिर इसने एकदम से कहा कि सब साइकिल पे। मैंने कहा पागल हो गया क्या? दोज वर द फर्स्ट वर्ड्स जो मैंने एकदम से सोचे। आज 52 कंट्रीज और 54,000 किलोमीटर तय करने के बाद मुझे इस पे बहुत नाज है। पहले भी गर्व था, आज तो गर्व है ही है और आगे भी रहेगा। मेरे लॉयंस क्लब भूना का नाम रोशन हुआ, मेरे डिस्ट्रिक्ट 3213 का नाम रोशन हुआ, लॉयंस फेटर्निटी का, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल का एक नाम रोशन करते हुए हमारे डॉक्टर राज पांडेन, लॉयन डॉक्टर राज पांडेन आज इस मुहिम पर पहुँचे हैं। मुझे इन पर गर्व। जुनून की इस जर्नी का आज अंत नहीं हुआ, ये सिर्फ एक पड़ाव है। शीघ्र ही मिलते हैं लॉयन राज पांडेन के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत जब होगी। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।